Welcome guys to today's podcast. I am Shankar and with us we have Praveen sir. Hi. आज का जो डिस्कशन रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन कि पिछले 5 सालों में जो जेई मेन का पेपर आया है उसमें स्पेशली मैथ्स का क्या ब्रेकआउट रहा है, टॉपिक्स का कौन से टॉपिक्स ज़्यादा प्रायोरिटी में है, किसमें इजी क्वेश्चंस आता है, किसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आता है, तो उस टाइप का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे. Right, and since JEE Main is just 20 days away, so students can take away some of the useful चीज़ें इससे कि वो अपनी preparation को इस last leg में कैसे fine tune कर सकते हैं. अच्छा, तो ये करते हैं कि I will ask you a few questions from the sure. perspective of a student. बिल्कुल. और आप समझाइएगा. Sure sir. तो sir, सबसे पहला question मेरा ये रहेगा कि पिछले 5 सालों में ये जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं इसमें जेई मेन का पेपर कैसे इवॉल्व हुआ है. राइट, सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि 5 साल ही क्यों. सो वन ऑफ द रीजंस इज उससे पहले जेई मेन साल में एक बार होता था और वो ऑफलाइन मोड में होता था. इन द लास्ट 5 ईयर्स बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट दे सकता है, तो कोई बच्चा ये ब्लेम नहीं कर सकता कि मेरा एक दिन खराब हो गया इसलिए पूरा ईयर खराब हो गया. आप 2 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यूजुअली एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है. सेकंड ऑफ ऑल, इट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस 100% ऑनलाइन और 10 लाख+ बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम सेम डे नहीं करवा सकते, तो ओवर द पीरियड ऑफ कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ स्लॉट्स होता है. तो कैन यू गेस सर पिछले 5 सालों में एग्जाम कितनी बार कंडक्ट हुआ है जेई मेन का, एनी रफ गेस? अराउंड 500 टाइम्स. ओके, इट्स टू मच, बट 104 टाइम्स टू बी प्रिसाइज. ये मेरे को क्यों पूछा, मेरे को कहां से पता ऐसे गेस. इट्स अ कन्वर्सेशन. सो सर, कैन यू गेस कि पिछले 5 साल में ये एग्जाम कितनी बार कंडक्ट हुआ होगा रफली? प्रोबब्ली 5 सालों में 20-30 बार हुआ होगा सर. इट हैज कंडक्टेड, इट हैज बीन कंडक्टेड 104 बार, 104 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स. राइट, सो नाउ इन दोस 5 इयर्स देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जिसके एनालिसिस से बच्चा एक आइडिया लगा सकता है कि हाँ, what are the trends look like, right? And the pattern, if you talk about the pattern, in the very first year, in the 2019, it was 30 MCQs only, multiple choice questions with a single answer correct, and there was negative marking +4 -1. From the next year onwards, they introduced numerical answer type questions. So they had 25 questions, 20 MCQs and 5 numerical type, out of which you had to attempt all. And numerical type mein answer jo hai wo decimal mein bhi ho sakta tha aur negative marking nahi thi. After that, पिछले 2-3 साल से पैटर्न कैसा है कि there are 30 questions, 20 MCQ type, last and numerical type. Answer to the numerical questions is integer only. और 10 में से आपको 5 attempt करने last के 10 में से. तो overall 30 में से आपको 25 questions attempt कर सकते हैं at max. And even the integer answers में भी negative marking है. तो guesswork बिल्कुल भी नहीं चलेगा. So that's the pattern. Okay. तो अगला सवाल ये है कि सर, आपने बताया कि लगभग 100 के ऊपर पेपर्स हुए हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट शिफ्ट्स. राइट, तो ऑल इन ऑल कितने टोटल क्वेश्चंस आए होंगे पिछले 5 सालों में सर? तो पर सब्जेक्ट हम बात करें तो टू बी प्रिसाइज 3040 क्वेश्चंस, मोर देन 3000 क्वेश्चंस वी हैव एनालाइज्ड फॉर यू ऑफ मैथ्स. सो तो मुझे लगता है कि अगर ये बच्चा ये 3000 के आसपास क्वेश्चंस भी कर ले एग्जैक्टली तो भी बहुत है. इट्स मोर देन इनफ, यू डोंट नीड टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन. हां, तो जो अब सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज ब्रेकेज के बारे में बात करते हैं सर, कि जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं मैथ में, राइट, तो उस ब्रांचेस में जेई मेंस का प्रायोरिटी कैसा रहा है, मतलब कौन से टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस? बिल्कुल. सो फॉर दैट पर्पस लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हमने सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया. इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जो यूजुअल टेक्स्ट बुक्स होती है उससे. जैसे कैलकुलस की एक टेक्स्ट बुक होती है, हमने उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. एंड स्टूडेंट्स लोग इंटीग्रल कैलकुलस में 4 चैप्टर्स आते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. सिमिलरली एल्जेब्रा को भी मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है. एल्जेब्रा में यूजुअल चैप्टर्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, योर सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. और जो पीएनसी दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको एक मैंने अलग ब्रांच का नाम दिया कॉम्बिनेटोरिक्स. बिकॉज अगर इनको भी आप एल्जेब्रा में ले लो तो एल्जेब्रा का वेटेज अननेसेसरीली ज्यादा लगेगा बच्चों का. So we have divided the syllabus like that. Other branches are your trigonometry, your coordinate geometry, and vectors and 3D. Now, if we talk about कौन सी branches सबसे ज़्यादा question पूछे गए, तो even after breaking up algebra into 2 parts, algebra से ही सबसे ज़्यादा question पूछे गए. तो जो basic chapters है, जो बच्चा mostly 11th में पढ़ लेता है, complex numbers हो गया, sequence and series हो गया, है ना, उनसे सबसे ज़्यादा question पूछे गए, matrices and determinants. As a branch, the next is differential calculus.
After that comes your combinatorics. Just from those chapters जिनकी हमने बात करी थी उनसे 16% क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एलजेब्रा से अबाउट 22% क्वेश्चन पूछेंगे पिछले 5 सालों में क्यूमुलेटिव. नेक्स्ट कम्स योर वेक्टर्स इन 3D. देन सॉरी मोर देन वेक्टर्स इन 3D देयर इज इंटीग्रल कैलकुलस आल्सो. सो लेट मी ब्रेक इट डाउन. देयर इज एलजेब्रा, देन डिफरेंशियल कैलकुलस, देन कॉम्बिनेटोरिक्स, देन इंटीग्रल कैलकुलस, देन योर वेक्टर्स इन 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री. ऑसम सर. सो ये जो आपने चैप्टर्स बताए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे? तो ये तो क्या ब्रांच वाइज ब्रेकअप. नाउ एक और क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हर साल एक्जेक्टली सेम रहता है ब्रेकअप? आई वुड से नॉट एक्जेक्टली बट मोर और लेस ऑन अ सिमिलर लाइंस. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट जस्ट लास्ट ईयर 2023, तो वेक्टर्स इन 3D से डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे. बट बिकॉज दिस ईयर दे हैव कट डाउन द सिलेबस ऑफ वेक्टर्स इन 3D बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो हो सकता है वो जो ब्रेकअप है ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट चैप्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर आप तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताते, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? तो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में वो है वेक्टर्स इन 3D, जिससे ऑन एन एवरेज हर स्लॉट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज. कभी कभी नंबर ज्यादा भी हुआ है. कुछ पेपर ऐसे भी देखने को मिले जिनमें 36 क्वेश्चन आर फ्रॉम वेक्टर्स इन 3D. नेक्स्ट कम्स योर डेफिनेट इंटीग्रेशन इन एरिया अंडर द कर्व विच इज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. उसके क्वेश्चन यूजली टफर साइड माने जाते हैं क्योंकि उसमें पूरा जो 2 साल में मैथ पढ़ाता है बच्चे ने उसका कल्मिनेशन होता है. नेक्स्ट जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पार्ट. नेक्स्ट जो कॉनिक सेक्शंस, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंटली स्टैंड आउट फ्रॉम अदर चैप्टर्स. इसके अलावा अदर हाइब्रिड चैप्टर्स आर योर बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस इन सीरीज, योर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. इनसे भी सिग्निफिकेंटली हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए. अच्छा, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं कि क्वेश्चंस अलग अलग डिफिकल्टी पैटर्न से आते हैं. राइट. तो ओवरऑल ब्रेकअप कैसे रहता है? कितने इजी क्वेश्चन रहते हैं, कितने मीडियम लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, कितने हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं? राइट. सो यू नो डिफिकल्टी इज रिलेटेड. इफ यू थिंक फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव तो आपको जेई का हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है. मेक सेंस. और अगर आप जेई एडवांस से कंपेयर करोगे तो इसके क्वेश्चंस आपको इजी लग सकते हैं. तो अगर जेई मेन के खुद के ही एग्जाम की हम बात करें कि जितना प्रिपरेशन होना चाहिए, जितना हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आई वुड रेट इट कि बेसिकली अबाउट 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी. दैट मींस दे मे इन्वॉल्व सम लेंथी कैलकुलेशन, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं क्या करना है क्वेश्चन. वैसे क्वेश्चन हार्डली 10-15% होते हैं किसी भी स्लॉट में. दैट इज इफ यू टॉक अबाउट 30 क्वेश्चन, दे आर 3-4 क्वेश्चन विच एन एवरेज स्टूडेंट कैन लीड कि ये मैं इन पे टाइम वेस्ट ना करूं तो बेहतर है. जो क्वेश्चन करने लायक है उन पर मैं टाइम स्पेंड करूँ. एंड रिमेनिंग अबाउट यू नो 35% ऑफ द क्वेश्चन आर ऑफ ईजी लेवल. कि किसी बच्चे ने अगर बोर्ड्स की भी तैयारी अगर 100% कर रखी है तो वो 35% मार्क्स तो मैथ्स में ला सकता है. आई थिंक सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ब्रेकअप कैसा होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये ओवरऑल पैटर्न जो है वो सिमिलर रहता है. एज इन मैं हमेशा अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि पेपर में इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चंस एंड अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चंस विल बी वेरी डिफिकल्ट. राइट. तो वैसे क्वेश्चंस का ऐसा नहीं कि अगर तुम आपके पास टाइम बचता है एट द एंड देन go for those questions. Correct. लेकिन usually you should limit yourself to the easy questions. यहाँ पे silly mistake नहीं करना है. Correct. और medium level questions को किसी तरह से crack करना है. Hard level questions पे अपना time initially ना waste करें. Exactly. और अगर once you have are done with the medium level questions of all 3 subjects, right, तब वो hard questions पे आप वापस आके you can invest your remaining time. That's correct. My advice. And it takes certain smartness to identify which are easy and moderate questions. हाँ, वो तो वो अगर practice कर रखा है बच्चे ने तो ही वाइड सो कर. So it's not something जो फटाक से 1-2 महीने की प्रैक्टिस से दिखेगा. सो वंस यू हैव डन दिस फॉर एंटायर 2 इयर्स, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ ये क्वेश्चन इज समथिंग दैट आई कैन इजीली डू. इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन. तो टफनेस के हिसाब से सर, राइट, अगर मैं ये 5 सालों को रेट करूँ, राइट, तो सबसे डिफिकल्ट पेपर टू सबसे लोएस्ट डिफिकल्टी पेपर कैसा रहेगा सर वो? सो देयर आर 2 पैमाने. एक तो वो है कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ टफ क्वेश्चंस पूछे गए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट ईयर वाज 2020, उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो जे एडवांस के लेवल के थे, स्पेशली मैथ्स की बात करें तो. अच्छा. एंड अबाउट 16% ऑफ द क्वेश्चंस वर टफ इन दैट ईयर. अच्छा. अनदर पैमाना इज कि कौन से ईयर में सबसे कम परसेंटेज ऑफ इजी क्वेश्चंस पूछे गए, दैट वाज 2023. उसमें सिर्फ 25% ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी, जबकि बाकी ईयर्स में वही एवरेज 35-40% देखने को मिलता है. So that is another way ki questions are moderate, more questions are moderate, but because they are lengthy students always need more time. Ki agar aur time hota to main aur questions attempt kar leta. So these 2 years stand out as difficulty. Ki highest number of difficult questions 2020 mein puche gaye,
बट लीस्ट नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए, रेस्ट फॉर ऑन अ सिमिलर लेवल। अच्छा, तो चैप्टर वाइज अगर मैं पूछूं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से सेगमेंट से आता है और इजी क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आता है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो दैट, बिकॉज ये हम टीचर्स बेहतर बता सकते हैं बच्चों को। तो ये देखा गया कि इंटीग्रल कैलकुलस के सभी चैप्टर से, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी हो जो कि पहला चैप्टर है, बट उनसे भी टफ क्वेश्चंस देखे गए। तो एक वो हो गया पूरा ब्रांच ही आपका जिसमें चार चैप्टर्स आते हैं, एरिया के एरिया अंडर द कर्व में भी आपको पहले पूरा ग्राफ बनाना होता है, उसके बाद जाके आपको इंटीग्रेशन भी करना होता है, तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो लेंथी भी होते हैं, टफर साइड भी होते हैं। अदर देन इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस इज अ वन चैप्टर व्हिच स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के परसेंटेज ज्यादा पूछा गया। और अगर इजी की बात करें तो सैडली एक चैप्टर था मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि सिलेबस से हटा दिया गया इस बार, उससे काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, डायरेक्टली ट्रुथ टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। इफ यू टॉक अबाउट दो चैप्टर्स जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे गए और इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए, उनमें एक चैप्टर स्टैंड आउट होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे गए, इट्स नॉट दैट ऑल द क्वेश्चंस वर इजी बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑन द इजीियर साइड। अच्छा, बाकी जो चैप्टर्स है जैसे सेट्स एंड रिलेशंस है, उनसे इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। सर लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो इट्स थोड़ा सा ऑन द ज्ञान साइड है, राइट? कि अभी बेसिकली 30 days 25 डेज बचे हैं, राइट, वेयर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर जेईई मेंस, डिपेंडिंग ऑन कब है आपका शिफ्ट, राइट? तो व्हाट आर द फोकस एरियाज, राइट? क्योंकि वो जानना रहेगा बच्चों को कि अभी मेरे पास 20-25 डेज है, मैं अगर रिवीजन स्टार्ट भी करूं, राइट, तो कौन से चैप्टर्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाए, किन चैप्टर्स को लोएस्ट प्रायोरिटी दिया जाए, तो उस हिसाब से अगर उसको रैंक किया जाए तो कैसे? बिल्कुल, सो आई थिंक आप भी इस पे लाइट डाल सकते हैं। मैं मैथ्स के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। सो मैथ्स में अगेन इजी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर, सो माय एडवाइस वुड बी दे कैन यूज दिस एनालिसिस टू फाइंड इन देयर प्रिपरेशन, कि जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ना छोड़े, ऑफकोर्स दैट मेक्स सेंस। तो हमने आपको बता दिया कि जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकेंड इज ट्राई टू कवर एटलीस्ट 70-80% ऑफ द सिलेबस, मतलब जस्ट ऐसा नहीं है कि बच्चा इंपॉर्टेंट चैप्टर छाटने के चक्कर में 50% ऑफ द सिलेबस ही कवर करके जाए। तो आई वुड से इफ यू वर गिवन टू चॉइसेस कि आप 50% चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो वर्सेस 80% चैप्टर्स एवरेज लेवल तक कर लो, तो आई वुड से 80% चैप्टर्स आप एवरेज लेवल तक करो, बिकॉज इजी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर। हां, तो दैट वुड बी माय एडवाइस। आई थिंक द माइंडसेट फॉर जेईई मेंस इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, क्वांटिटी भी और वाइड कवरेज बेसिकली। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आप तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो हम वो करके चले जाएं, हम बोलेंगे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम 70-80% कवर करो। एंड एक और चीज जेईई मेन के स्पेसिफिक जो बोर्ड्स में नहीं होता है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चैप्टर से होते हैं, राइट? तो अगर हो सकता है कि दोनों चैप्टर के इजी कंसेप्ट यूज हो रहे हो तो उनको आप छोड़ ही दोगे अगर आपने एक चैप्टर उनमें से नहीं कर रखा है। तो सर सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि व्हाट आर सम टिप्स, लास्ट मिनट टिप्स कि सर क्या करें आखिरी 20 दिनों में, सो दैट प्रिपरेशन ट्रैक पे रहे और हम एक अच्छे से कॉलेज में पहुंच जाएं। अच्छा, फिजिक्स स्पेसिफिक अगर बोलूं तो फिजिक्स स्पेसिफिक नहीं बोलूं, जनरली जनरल कुछ भी। हाँ, जनरली अगर मेरे को कोई एडवाइस देना पड़े इस टॉपिक पे कि लास्ट के 20 डेज को कैसे मैनेज किया जाए, तो मेरे हिसाब से हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है स्लीप साइकिल को एंड आपके हेल्थ को, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने जो 2 साल से मेहनत किया है, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ए सिंगल 3 आवर सेशन दैट विल डिसाइड कि आप कुछ विच कॉलेज में जा रहे हो या आपका नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स कैसे बीतने वाला है। सो इट इज वेरी वाइटल कि आपका बॉडी ऑप्टिमम पोजिशन पे हो, उसके लिए प्लीज मेक श्योर कि यू आर हैविंग ए गुड स्लीप साइकिल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पहला मॉर्निंग शिफ्ट है दैट इज फ्रॉम 9 AM to 12, करेक्ट, एंड इवनिंग इज 3 to 6। हाँ, तो अगर आपको 2 बजे को सोने की आदत है, 8 बजे को उठने की आदत है, तो आपका बॉडी क्लॉकवर्क वैसे ही काम करेगा ऑन दैट डे। तो अभी से अगर आप उसको मॉडिफाई करें इन ए वे कि जहाँ पे यू आर हैविंग लाइक ए नॉर्मल स्लीप शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 6, मे बी 11 to 5:30, आई डोंट नो द टाइमिंग्स, सो उस हिसाब से यू हैव टू मैनेज इट फ्रॉम नाउ ऑन सो दैट उस दिन में आपको उसी टाइम पे नींद आए एंड योर बॉडी इज प्रॉपर। सेकेंड, जंक फूड और आउटसाइड फूड अवॉइड करें ताकि आपका कोई भी ड्यूरिंग दिस 20 डेज कोई डिसरप्शन आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए। स्टिक टू होम मेड फूड ऑन बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। मैं एडवाइस करूंगा बच्चों को कि यू डू ए ड्राई रन फॉर द सेंटर,
राइट, क्योंकि आपका सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो एक ड्राई रन, एक दे वन डे बिफोर एक ड्राई रन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी बस लेनी है, कितना ट्रैफिक रहेगा, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू यू नो प्लान योर सेशंस आउट। उसके अलावा लास्ट के फ्यू डेज में आप बहुत ज्यादा पैनिक होके नए क्वेश्चंस डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश ना करें, स्टिक टू योर नोट्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मॉक टेस्ट, जैसे हमारे यहाँ पे भी हो रहा है अभी, कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट बच्चे लिख रहे हैं। मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पार्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग इन द लास्ट फ्यू डेज, सो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, यू शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। और सर इसमें और भी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नो, आई थिंक इट्स द सेम थिंग दैट वी डिड इन आवर प्रिपरेशन द लास्ट वन वीक, वी जस्ट टुक टेस्ट एवरी डे, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। यस, ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट, ऑल द बेस्ट।